नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टाइम तक। अपने कंठ के दिव्य स्पर्श से संगीत के रसों, भावों और राग रागिनियों का एहसास कराती लता मंगेशकर की आवाज। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, लता मंगेशकर जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, वह 6 फरवरी को इस दुनिया से अलविदा कह चुकी हैं। वहीं बता दें, उसके जाने के बाद उनके फैंस पर जैसे दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। जब चोरी चोरी को सर्वश्रेष्ठ संगीत का फिल्म फेयर पर पुरस्कार मिला तो उत्साहित जय किशन ने लता मंगेशकर से आग्रह किया कि वे लोकप्रिय विरह गीत रसिक बलमा समारोह में गा दे तो कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएं, लेकिन लता मंगेशकर ने उनका आग्रह अस्वीकार कर दिया। बता दें कि भारत रत्न लता मंगेशकर की आवाज़ सिर्फ उनकी ही पहचान नहीं, उनकी आवाज़ के दिव्य स्पर्श में रसों की भावों को भारतीय संगीत के तमाम राग रागिनियों को चेहरों में ढकते हुए महसूस किया जा सकता है। वही लता मंगेशकर जो 6 फरवरी को इस दुनिया से अलविदा हो गई, और जाने के बाद उनका प्रिय डॉगी यानी कि उनका कुत्ता बिट्टू, जिनका भी बुरा हाल है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।